Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Ashutosh and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास टेंथ की जो सेकेंड इंग्लिश बुक है ना, जो कि ये सप्लीमेंट्री रीडर कह लीजिए या फिर आप उसको पार्ट टू भी बोलते हैं, इंग्लिश पार्ट टू, तो उसके चैप्टर फाइव जिसका नाम है सन एंड मून के क्वेश्चन MCQs क्वेश्चंस को हम देखेंगे. तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई क्वेरी रह रही है, अगर आपको डाउट रह रहा है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप उसको रेफ़र करके पहले वो चीज़ें क्वेरी क्लियर कर लें, फिर इस वीडियो को ज़्यादा रेफ़र करें तो आपके लिए बेटर होगा. तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इसके वीडियो को. चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टोरी सन एंड मून. ये जो चैप्टर है सन एंड मून, इसके लेखक कौन हैं? तो सी वॉज कैथरीन मैंसफील्ड. तो वह एक लेडीज थी, कैथरीन मैंसफील्ड, उन्होंने इस कहानी को लिखा है. तो बी राइट ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का. दूसरा क्वेश्चन है कि हु वॉज सन एंड मून. सन एंड मून कौन थे? तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. सो ए राइट ऑप्शन है. चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि हु ड्रेस्ड सन एंड मून. सन एंड मून को कौन तैयार करा रहा था? तो सी वॉज अ नर्स. तो सी राइट ऑप्शन है तीसरे क्वेश्चन का. चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, हु गॉट स्कॉल्डेड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. यानी कि कहानी के अंत में किसको डांट फटकार पड़ती है. स्कॉल्डेड मतलब डांट फटकार. तो किसको पड़ती है कहानी के अंत में? तो ही वॉज सन मतलब वह सन था जिसको डांट फटकार पड़ती है कहानी के अंत में. तो ए इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ पाँचवा क्वेश्चन क्या है? What was the color of moon's shoe? यानी कि जो मून लड़की थी उसके जूतों का कलर क्या था? तो इट वॉज वाइट. डी इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ छठा क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वॉज द डैश. उस पार्टी में जो पार्टी चल रही थी उस पार्टी में सबसे फैंसी जो डिस आइटम था, खाने वाले पकवान था, वह क्या था? इट वॉज आइस पर्डिंग अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रेन. ठीक है, आइस पर्डिंग जो थी सबसे क्या कहते हैं फैंसी फूड आइटम थी. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि द चिल्ड्रेंस रूम वॉज ऑन द डैश फ्लोर. चिल्ड्रेन को बच्चों का जो रूम था वह कौन से फ्लोर पर था? इट वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर. तो डी राइट ऑप्शन है. नाउ आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि द पार्टी वॉज टू बी हेल्ड इन द डैश. जो पार्टी थी वह कहाँ पर होने वाली थी? तो इट वॉज टू बी हेल्ड इन द इवनिंग. मीन्स सॉरी, कहाँ पर नहीं, कब होने वाली थी. अभी आपको ना ऑप्शन देखने होते हैं पहले. तो आपको देखा कि मॉर्निंग में होना चाहिए, नून, नाइट, इवनिंग, तो वो इवनिंग में होने वाली थी. तो सी राइट ऑप्शन है. नाउ नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि द चिल्ड्रेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड डैश. जो बच्चे थे उनको क्या अटेंड करने की मनाही थी? तो इट वाज द पार्टी. तो पार्टी को अटेंड करने की उनको मनाही थी. ए राइट ऑप्शन है. दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्टोरी सन एंड मून एक्सप्लेन्स द डैश. जो ये कहानी है सन एंड मून ना चैप्टर, उस वो क्या चीज़ विस्तार पूर्वक हमें बताती है? तो इट एक्सप्लेन्स द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रेन. यानी कि बच्चों के मन की दशा को वो दर्शाती है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है. वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई है. तो सी राइट ऑप्शन है दसवें क्वेश्चन का. ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं. द स्टोरी शोज द ऑथरेसिस सेंसिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस स्पेशली ऑफ डैश. जो स्टोरी जो है ये ऑथरेस उसमें है ना, जो ये सन एंड मून स्टोरी है इसमें जो लेखिका है उसकी सेंसिटिव फीलिंग है ना, और जो इमोशंस हैं वो स्पेशली किसके लिए हैं? वो स्पेशली ऑफ चिल्ड्रेन है ना. वो एक तरीके से बच्चों के मन की दशा को व्यक्त करना चाहती है अपनी कहानी के जरिए. तो ए राइट ऑप्शन है. बारहवां क्वेश्चन देखते हैं कि थ्रू दिस स्टोरी है ना, कैथरीन टेल्स अस हाउ चिल्ड्रेन डैश एंड व्हाट दे फील. मतलब इस कहानी के जरिए जो कैथरीन है, लेखिका है, वह बताना चाहती है कि बच्चे जो हैं कैसे क्या फील करते हैं और साथ ही साथ हाउ चिल्ड्रेन थिंक यानी कि कैसे सोचते हैं और कैसे फील करते हैं. तो बी राइट ऑप्शन है बारहवें क्वेश्चन का. तेरहवा क्वेश्चन देख लेते हैं. कैथरीन्स स्टोरीज फॉलोज इन द फुट स्टेप ऑफ द राइटर डैश. यानी कि कैथरीन की जो कहानियाँ होती थी वो किस दूसरे राइटर का अनुसरण करती थी? तो इट वॉज चेकॉफ, एंटोन चेकॉफ जो थे उन्हीं को ये फॉलो करती थी. तो सी राइट ऑप्शन है. अब चलते हैं चौदहवें क्वेश्चन पे कि कैथरीन मैंसफील्ड इज़ अ राइटर ऑफ डैश. कैथरीन मैंसफील्ड जो थी वह किस तरीके की लेखक थी? तो सी वॉज शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो छोटी कहानियाँ लिखने, लघु कहानियाँ लिखने में एक्सपर्ट थी और उसी की लेखिका थी. ए राइट ऑप्शन हो जाएगा. पंद्रह क्वेश्चन पे चलते हैं. कैथरीन वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रेन आर नॉट डैश. कैथरीन हमें ये बताना चाहती थी कहानी के जरिए कि हर एक बच्चे जो होते हैं क्या नहीं होते हैं,
तो आर नॉट अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, तो सी राइट ऑप्शन है। चलिए 16वां क्वेश्चन है कि सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ डैश। ये भी आपको पता है कि सन एंड मून किसके नाम थे, कोई अडल्ट तो था नहीं, कोई गेस्ट था नहीं, सर्वेंट नहीं था, वो बच्चे ही थे, तो बी इज द राइट ऑप्शन चिल्ड्रेन। 17वां क्वेश्चन है कि सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द डैश, यानी कि सन एंड मून जो थे कहानी में एक बार दिखाया जाता है कि वो डाउन स्टेयर यानी कि सीढ़ियों से उतर कर जाते हैं हाथों में हाथ मिलाकर, और वो किससे मिलने जा रहे हैं, वह नेबर्स सॉरी वो गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, तो ए राइट ऑप्शन है। चलिए 18वां क्वेश्चन है कि सन इज अ डैश बॉय, सन किस टाइप का लड़का था वो बताइए, तो सन इज अ सीरियस बॉय, वो बहुत ही मतलब गंभीर रहने वाला बच्चा था, बी राइट ऑप्शन है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मून इज अ डैश चाइल्ड, मून जो थी किस तरीके की बच्ची थी, तो सी वो जो चीयरफुल चाइल्ड, वो बहुत खुश मिजाज रह जा करती थी, तो ए राइट ऑप्शन है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि वंस अ पार्टी वॉज टू बी हेल्ड एट डैश, एक बार की बात है कि जो पार्टी थी ना वो कहाँ पे होने वाली थी, वो चिल्ड्रेंस हाउस में होने वाली थी, बच्चों के घर पर होने वाली थी, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर द 19th नंबर। नाउ द लास्ट सॉरी 20th नंबर। अब जो 21वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, इन द स्टोरी सन एंड मून सन वॉज वेरी डैश, ये जो कहानी थी ना सन एंड मून, उसमें जो सन लड़का था वो बहुत ज़्यादा क्या था, अपसेट था, तो ई इज द राइट ऑप्शन। और इस तरीके से इसके जो MCQs मैंने आपके लिए ढूंढ के लाए थे वो सारे ख़त्म हो गए, और आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।